फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल अलग रेसिपी, कच्चे केले की सब्जी, जो कि बहुत ही फायदेमंद होती है और बहुत ही अच्छी होती है डाइजेशन के लिए भी। आयरन होता है उसमें, फाइबर होता है, और अगर आपको मेरे जैसी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो जरूर ट्राई करना और हमें कमेंट करना। तो अब इसकी रेसिपी हम तैयार करते हैं। यहाँ मैंने कच्चे केले के लिए 2 टमाटर लिए, इसको मैंने चॉप कर लिया। 2 मैंने यहाँ पे प्याज लिए नॉर्मल साइज के, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। और इसी के ऊपर मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, ये भी मैंने नॉर्मली चॉप कर ली। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिंजर लिया, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये मेरे 1/2 किलो कच्चे केले। अब इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में। अब मैं ऑयल ऐड करूँगी कढ़ाई में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कितना ऑयल ले रही हूँ। हमें नॉर्मली डीप करने, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करने, नॉर्मल फ्राई। तो ऑयल ये गरम हो चुका है, अब इसमें हम कच्चा केला ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, कच्चा केला फ्राई हो चुका है। इसकी पहचान ये है कि अगर ये क्रिस्पी हो जाए, सॉफ्टनेस अपनी छोड़ दे, तो समझना ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकालेंगे। अब मैंने वही सेम कढ़ाई ली है, उसी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी। अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी, उसके बाद जो हमने चॉप किए थे प्याज और हरी मिर्च वो डालूँगी। अब हमें प्याज को यहाँ पे नॉर्मली सोटे कर लेना है। अब मैं अदरक ऐड करूँगी, अब इसको भी हमें सोटे कर लेना है अच्छे से। तो अब ये प्याज भून चुके हैं, अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो आपको एक दोस्तों एक बात बताऊं कि कच्चा केला बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसमें आयरन होता है और बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें। और जो लोग YouTube चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी मसाले में, ताकि अच्छे से भुन जाए। अब यहाँ मैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून यहाँ मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। अब इसको भी हमें स्टर करना है। अब यहाँ दोस्तों मैं थोड़ा सा अचार, तो सबके यहाँ बनता ही होगा, तो 1 टेबल स्पून अचार का जो ऑयल होता है वो डालूँगी, ताकि इसका अचारी फ्लेवर आए और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी ज़रूर ऐड करिएगा। अब मैं 1/4 टेबल स्पून खटाई ऐड करूँगी, अमचूर पाउडर। अब इसको भी हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब मैं यहाँ 1 टेबल स्पून किचन किंग ऐड करूँगी, अब मैं इसको भी मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून दही ली है, अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ ऐड करूँगी देगी मिर्च कलर के लिए। अब इसको हमें मिक्स कर लेना है, फिर हम इसे डालेंगे सब्जी में। अब आप देख सकते हो ये पेस्ट को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है कच्चे केले की सब्जी, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। अब इसको हम मिक्स करते हैं। अभी हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। अब जो हमने ये पेस्ट सा बनाया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, कलर भी अच्छा आया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसमें हमने जो फ्राई करे थे कच्चे केले वो इसमें हम ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो चुके हैं अच्छे से कच्चे केले। अब इसमें हम लास्ट में काली मिर्च ऐड करेंगे ऊपर फ्लेवर के लिए। तो अब मैं दोस्तों 1/2 कटोरी यहाँ पे पानी डालूंगी, और उसके बाद इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए, ताकि इसके सारे फ्लेवर्स अच्छे से एनहेंस हो जाए इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ कच्चे केले की सब्जी रेडी हो चुकी है। तो ये कच्चे केले की हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। तो हमारी गर्मा गर्म कच्चे केले की सब्जी रेडी हो गई है। आप खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोग हमें सपोर्ट करें ऐसे ही, और हमारी लाइक करें, कमेंट्स करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।